हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो सेक्स टॉनिक की जो टैबलेट रहती है, गोलियाँ, सिलडेनाफिल उसका केमिकल नेम है, जो शिश्न की कठोरता के लिए ली जाती है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। मुझे सिलडेनाफिल है, सेक्स टॉनिक की गोलियाँ के नाम से जानकारी लोगों को उसके बारे में है। उसका ऐसा है कि वो गोली जो है वो 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की एक गोली आती है, और वो गोली लेने के बाद में शिश्न में कठोरता आती है और उसके बाद में वो व्यक्ति सेक्स कर सकता है। अब होता क्या है कि सेक्स होने के बाद में उसमें कोई साइड इफेक्ट है वो गोली के, तो साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताना हूँ कि साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों में 4 घंटे से ज़्यादा लिंग में कठोरता रहती है। यदि सेक्स करने के बाद में 4 घंटे से ज़्यादा यदि लिंग में कठोरता रही तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उससे लिंग को प्रॉब्लम हो सकता है, शिश्न को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके साथ साथ बाकी भी जो है उसके साइड इफेक्ट, वह है सर दर्द, पेट में दर्द, जी मचलाना, मांसपेशियों में दर्द, फिर पेट में कभी कभी मतलब एसिडिटी हो जाती है कुछ लोगों को, चेहरा लाल हो जाता है, कभी चमड़ी लाल हो जाती है, आँखों में धुंधलापन आ जाता है, और कभी कभी आँखों से दिखता नहीं है, चक्कर भी कभी आ जाती है, पचन नहीं होता, कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिल में धड़कन हो जाती है, और ब्लड प्रेशर कम होने के बाद में या हो गया तो हार्ट के ऊपर भी उसमें हार्ट के ऊपर भी तकलीफ हो सकती है। तो भी ये जो तकलीफ है इससे कैसे बचे, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि अपने मन से मत लो ये गोली। वैसे भी ये गोली मेडिकल स्टोर में ऑन द काउंटर बेच नहीं सकते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, तभी भी कुछ केमिस्ट बेचते हैं उसको। फिर 50 मिलीग्राम लेना, 100 मिलीग्राम लेना डॉक्टर को पूछो, सेक्सोलॉजिस्ट को पूछो। हार्ट का प्रॉब्लम यदि है तो मत लेना, बीपी के लिए दवाई चालू है ऑलरेडी, तो ये गोली मत लेना। तो ये गोली हम समझो सरदर्द बहुत ज़्यादा होता है तो नहीं लेना, या कभी 5 हिस्ट्री ऐसी है कि पहले कभी गोली लिया था और शिश्न में कठोरता 4 घंटे से ज़्यादा रही तो ये गोली नहीं लेने की है। तो ऐसे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर की सलाह लेने से ही ये गोली लिया तो फिर कोई तकलीफ होती नहीं है। हो सकता है कि पहले शुरू में 50 और 100 मिलीग्राम के बदले 25 मिलीग्राम ही लेना, मतलब आधी गोली लेना, फिर उसका कोई कैसा मतलब इफेक्ट आता है वो देख लेना, अभी बाद में कभी 50 लेना और वो भी ठीक है, वो भी पच गए तो फिर 100 मिलीग्राम ले सकते हैं। तो इस तरीके दवाई है, और इसका फिर उसका काउंटर इफेक्ट करने के लिए, मतलब समझो वो शिश्न में कठोरता आ गई और अभी कठोरता कम नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए भी उसका इलाज है, वो भी और कोई दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी तक इतना ही है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में वो जो घंटी आती है वहाँ उसको हिट करो, ताकि मेरे वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, एंड अ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और व्यसन मुक्त भारत, तो उसमें आपका हाथ लगना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको मतलब एक आह्वान करता हूँ कि भाई आप ये लोगों को शेयर करो, सब तरह जो जानकारी वो फैलाओ, और मेंटल हेल्थ फॉर ऑल के लिए हमको सहयोग दे दो। तो थैंक यू वेरी मच।